इस दुनिया में रोडेंट्स यानी चूहों की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। अनुमानित 7 बिलियन तक रोडेंट्स इस दुनिया में राज करते हैं। ये बहुत चालाक और फुर्तीले जीव हैं। प्रकृति में रोडेंट्स के कुल 60 तक प्रजातियां पाए जाते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में एक अनोखे चूहे के बारे में जानने वाले हैं, जो बेलूचिस्तान की तपती गर्मी में खुद को टिकाए रखने के लिए अपना अलग ही जंग लड़ रही है। आज के वीडियो के इस छोटू से दोस्त का नाम है बेलूचिस्तान पिग्मी जड़बोआ। ये प्रजाति बेलूचिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। बेलूचिस्तान पिग्मी जड़बोआ के इस पिग्मी शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये बहुत छोटे से प्राणी है। इनका बॉडी लेंथ 3 से 4 सेमी तक होता है और पूंछ बॉडी लेंथ से 2 गुनी होती है। इनका वजन 2 से 3 ग्राम तक होता है। इनकी बॉडी काफी सॉफ्ट होती है और ये भूरे रंग के होते हैं। सामने के पैरों के मुकाबले इस चूहे के पीछे के पैर काफी लंबे होते हैं, जिससे ये खतरा महसूस होने पर काफी तेज रफ्तार से फुदक के भाग सकते हैं। इनको हाईएस्ट 3 से 4 फीट तक जंप करते हुए देखी गई है। बेलूचिस्तान पिग्मी जड़बोआस एक शर्मीले और नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं। ये मेनली रात में ही शिकार के खोज में अपने गड्ढों से बाहर आते हैं और दिन के वक्त गड्ढों में ही छिपके रहते हैं। ये अपने सामने के दोनों पैरों से नरम मिट्टी को खोद के खुद के लिए घर बनाते हैं। इनके गड्ढों में काफी सारे अलग अलग रास्ते होते हैं, जो शिकारियों को गुमराह करने में और एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचने में बहुत मदद करती है। ये मेनली इंसेक्टिवोरस अर्थात कीड़े मकोड़े खाने वाले प्राणी है। ये टर्माइट, स्पाइडर्स को खा के अपना पेट भरता है। इसके अलावा भी ये बीज, छोटे पत्ती और रूट्स को भी कंज्यूम करते हैं। ये जड़बोआस एक मोनोगेमस एनिमल है। इसका मतलब ये अपनी पूरी जिंदगी एक ही साथी के साथ बिताती है। इनका ब्रीडिंग सीजन यूजुअली अप्रैल से सितंबर के महीनों के बीच होती है। इसके बाद मादा 30 से 40 दिन तक गर्भधारण करके बसंत ऋतु में 1 से 3 तक बच्चे जन्म देती है। इनके बच्चों को पप्स कहा जाता है। जन्म के बाद मादाएं इन नन्हे मुन्नों को 18 से 20 दिनों तक अपना ही दूध पिलाती है और इसके बाद ही ये सॉलिड फूड खाने लग जाते हैं। बेलूचिस्तान पिग्मी जड़बोआस एक शॉर्ट लिव स्पीसीज है। इनका लाइफ स्पैन नॉर्मली 1 से 2 साल के बीच होती है। इनके बर्विंग नेचर के वजह से इनका रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल को स्टडी करना काफी चैलेंजिंग है, इसीलिए इनके बारे में बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इनका लाइफ स्पैन और रिप्रोडक्टिव सक्सेस को इंक्रीज करने के लिए इनके नेचुरल हैबिटेट के साथ साथ इनके बिहेवियर को भी बेटर तरीके से समझने की जरूरत है। इनकी हियरिंग सेंसेस काफी शार्प होती है और ये अपने प्रेडेटर्स के साउंड्स को आसानी से डिटेक्ट कर सकती है। इस छोटू से चूहे के ऊपर हमेशा खतरा मंडराती रहती है। ये फूड चेन के बॉटम में होते हैं और एक इम्पॉर्टेंट प्रे है, जिसके वजह से इनका पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहती है। लीफ नोज्ड वाइपर्स इनके मुख्य शिकारी है। इसके अलावा भी ईगल्स, फॉक्सेस, कैट्स, वीजल्स भी इनका शिकार करना बहुत पसंद करते हैं। ये काफी एडेप्टेबल एनिमल है। जड़बोआस अपने शरीर के अनुपात को और टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए ये हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी सरवाइव कर जाते हैं। बेलूचिस्तान पिग्मी जड़बोआस एंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल होती है। इन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में रहने के लिए स्पेस देनी चाहिए और इनके आवास को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। इनके पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए ब्रीडिंग्स प्रोग्राम चलाया जा सकता है
और इनके पॉपुलेशन को मॉनिटर करना भी ज़रूरी है। इससे इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में मदद मिल सकती है। इनके नेचुरल हैबिटेट को रक्षा करने के साथ साथ इनकी ब्रीडिंग को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। इसके लिए एक्सपर्ट्स इनकी पॉपुलेशन को ट्रैक करते हैं और इनके आवास स्थल में होने वाले चेंजेस को देखते हैं। इस छोटू से दोस्त को बचाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो बेलूचिस्तान के फूड चेन का संतुलन नष्ट हो जाएगा।